सरकारी राशन की दुकान का मालिक मनमानी कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को राशन लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन का मालिक समय पर दुकान नहीं खोलता है और ना ही राशन देता है। ये मामला देहरादून के कंडोली गांव का है, जहां पर ग्रामीणों ने सरकारी राशन की दुकान के मालिक पर कई आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि राशन की दुकान का मालिक समय पर उन्हें राशन नहीं देता है और ना ही दुकान तय समय के अनुसार खोलता है। दुकान का मालिक राशन ना होने की बात कहकर राशन को ब्लैक में बेच देता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर राशन दुकान मालिक विनोद बिष्ट का कहना है, मैं दुकान 10 बजे ही खोलता हूं और जिससे भी शिकायत करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।